हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुनील बीके। मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। निफ्टी की वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को डिलीवर कर दी जा चुकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। ये देखने की हमारी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी की क्या वाइडर रेंज हो सकती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए। साथ में मंडे का इंट्राडे भी हम समझने वाले हैं, तो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करिएगा। वीडियो में पूरे तरीके से बने रहिएगा। मैं एक एक करके सारी चीजों को डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ट्रेंड थोड़ा सा मिसी हो चुका है, डेफिनेटली मिसी हो चुका है, क्योंकि निफ्टी के एनालिसिस आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें क्या है कि हर मंथली, डे, वीकली, डेली, आवरली, 5 15 मिनट, 5 मिनट, सारी टाइम फ्रेम में ट्रेंड ऑलरेडी आपको बुलिश हो चुका है। तो एक हिस्सा है, एक प्रो लेवल की मैं आपको बात बताऊं, अगर अपॉर्चुनिटी मिले, किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी, किसी भी प्रकार की, इन द सेंस, अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप में को मिले तो बेटर है आप बैंक निफ्टी को प्रेफर करिएगा। और अगर सेल की अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको सबसे अच्छी सेल की अपॉर्चुनिटी अगर किसी इंडेक्स में मिलेगी तो बैंक निफ्टी में मिलेगी, क्योंकि ये वीक है और निफ्टी ऑलरेडी स्ट्रांग है। तो बाइंग मिले तो निफ्टी में करिएगा और सेल की अपॉर्चुनिटी मिले तो बैंक निफ्टी को प्रेफर करिएगा। होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। वहां पे हाई ब्रेक हो चुका है डेली टाइम फ्रेम पे। अभी इस इंपल्स का जो करेक्शन, देखिए लो, एक हाई, फिर से एक नया लो, और यहाँ पे देखेंगे इस पूरी, अगर इस फॉर्मेशन को आप रीड करने की कोशिश करिएगा क्या किस तरीके का, यहाँ ये प्रोजेक्शन आप भूल जाइए, यहाँ पे लो, हाई, एक लो। अब इस प्रीवियस इंपल्स का एक जस्ट करेक्शन है डेली चार्ट पे, तो अभी दिख रहा है, इसमें कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, लेकिन ऑलरेडी टाइम फ्रेम अगर ट्रेंड बुलिश है तो हमें ट्रेड बाइंग साइड का ही प्रीफर करना चाहिए। लेकिन अगर आप बाइंग प्रीफर भी करते हैं बाइंग निफ्टी में, तो बेटर अपॉर्चुनिटी आपको ऑप्शन सेल में मिलेगी। आप यहां पे पुट ऑप्शन को बाइंग मिले तो आप पुट ऑप्शन को यहां पे सेल कर सकते हैं। होप आपको ये भी एडवांस पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अगर बाइंग दिखती है, इनकेस आपका लेवल आता है तो ऑप्शन सेलर है, तब आप बाइंग इसमें प्लान करिएगा, मतलब पुट ऑप्शन को सेल करिएगा, ना कि कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आप पुट ऑप्शन को सेल करिएगा, कॉल बाय करेंगे आप ट्रैप हो सकते हैं, तो मोमेंटम नहीं मिलेगा तो आप फंस सकते हैं। अगर कॉल आपको बाय करना है तो आप बाय करिएगा सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में, और अगर पुट ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो पुट ऑप्शन बाय करिएगा निफ्टी में। अगर यहाँ पे पुट ऑप्शन बाइंग निफ्टी में मत बाय करिएगा, पुट ऑप्शन यहाँ पे सेल करिएगा, और सॉरी यहाँ पे कॉल ऑप्शन, जस्ट वेट, अगर बैंक निफ्टी में, निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो आप यहां पे कॉल बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर ये नीचे आता है तो आप यहां पे पुट बाय मत करिएगा निफ्टी में, यहां पे कॉल को सेल करिएगा। सबसे अच्छा प्रीमियम आपको मिलेगा और सबसे अच्छा मोमेंटम और सबसे अच्छा थीटा डीके, क्योंकि इसमें बेगा को टारगेट करना है, बेगा लॉन्ग और बेगा शॉर्ट। यहां पे क्या करना है बैंक निफ्टी में, क्या करना है बैंक निफ्टी में, अगर आपको कॉल बाय करने का मिले, अगर टारगेट मिलता है तो आप कॉल बाय मत करिएगा, यहां पे पुट को सेल करिएगा, सेम सिनेरियो। और अगर यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी मिले तो पुट ही ऑप्शन को आप यहाँ पे बाय करिएगा, ना कि कॉल को सेल करिएगा। बात को समझने की कोशिश करिएगा, ये एडवांस पॉइंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ट्रेंड के फेवर में आप बेगा को टारगेट करते हैं, तो चीजें समझ में आई होंगी। होप आपको यहां तक क्लियर हो चुका होगा। हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझ लेते हैं। सबसे पहला डेली चार्ट पे हमारे लिए सपोर्ट समझ लेते हैं क्या है। डेली चार्ट पे हमारे लिए सपोर्ट, इसको आप 47,000 मान लीजिए, 47,000 से लेके 46,900 हमारे लिए पूरा जोन एक सपोर्ट है। रेजिस्टेंस अभी हमारे लिए क्या है, 47,940, आप इसको 48,000 का रेजिस्टेंस एक साइकोलॉजिकल मान लीजिए। नेक्स्ट वीक में हमारे लिए यही लेवल इंपॉर्टेंट हो, 1000 पॉइंट की रेंज आ जाती है। अगर 48,000 ब्रेक होता है तो फिर हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 48,650 तक का टारगेट हम यहाँ पे प्रिफर कर सकते हैं या मिल सकता है ये हाई तक। होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, और मैंने आपको बता भी दिया किस तरीके से आपको वहां पे चीजें प्लान करनी चाहिए। चलिए टाइम फ्रेम को और छोटा करते हैं। आप टाइम फ्रेम को छोटा करेंगे, ये हो गया आवरली टाइम फ्रेम। अब इसको इस पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिएगा, ये जस्ट एक लो, हाई, लो और एक हाई, इस तरीके से खुपा आई है। तो इस पूरी इंपल्स को आप डेली चार्ट पे कैलकुलेट करिए इस इंपल्स को, और यहाँ पे देखिए तो क्या है, एक थोड़ा सा डिप लगा के फिर से अगर इसको ब्रेक करता है तो ये पूरे तरीके से यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हो जाएगी और ये ट्रेंड भी कंटिन्यूशन में चला जाएगा। होप आपको, लेकिन ये जिस तरीके से ये अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा, हो सकता है जा सकता है, लेकिन इसीलिए मैंने आपको पुट ऑप्शन कॉल बाय करने के लिए नहीं बोला, पुट ऑप्शन को यहाँ पे सेल करने के लिए बोला। बैंक निफ्टी में अगर ये ऊपर भी जाता है तो आपको मोमेंटम कहीं ना कहीं डेड रहेगा, नहीं मिलेगा। तो
बेट करिएगा किस तरीके से सिनारियो बनता है। रेजिस्टेंस हमारे लिए 48,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, और प्रोजेक्शन के हिसाब से भी रेजिस्टेंस है। डाउन साइड में हमारे लिए 47,000 और 46,900 एक सपोर्ट है। अप साइड में उसके बाद ये लेवल ब्रेक करता है तो वो फिर 48,650 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो नेक्स्ट वीक में ये इंपॉर्टेंट लेवल है 48,000 और 46,900, 47,000, ये इंपॉर्टेंट लेवल ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली फिर हम 48,600 तक का, 650-700 तक का टारगेट इजिली देखने वाले। होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब इसको हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, उसके लिए हमें 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना होगा। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम से देखिए, इसी रेजिस्टेंस से, जहां पे इसी रेजिस्टेंस से फ्राइडे के दिन मार्केट हमें यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट होते हुए देखने को मिली, और प्रीवियस स्विंग लो यहाँ पे उसी के पास से प्राइस फिर से बाउंस बैक होने के लिए ट्राई किया। अब हमको कुछ करना नहीं, सिंपली हमारे हमारे लेवल यहाँ पे मार्क हो चुके हैं, और डाउन साइड में हमें यहाँ पे एक लेवल ये दिख रहा है प्रॉपर, हम इस लेवल को भी मार्क कर लेते हैं। सिंपल हमारा लेवल निकल आया है, अब हम इसको हमें ट्रेड करना है। किस तरीके से हम अपना ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर प्लान करने में आप फेल हो गए तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका ट्रेड भी फेल हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होने के बाद इसी रेंज में बना रहता है, तो आपके लिए फिर 47,600 और अप साइड में 48,000, ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। प्लीज इस रेंज में आप 400 पॉइंट की रेंज में अगर छोटा स्कैल्प करते हैं तो आपको ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम, आपको टाइम फ्रेम स्विच करना होगा 3 मिनट या तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सपोज कि इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए एक लर्निंग चैप्टर है, इसको आप अच्छे से सीखिए समझिए। आपको यहाँ पे पैसा देने के बाद भी कहीं पे ये चीजें आपको सिखाई नहीं जाएंगी। रैंडम चीजों के पीछे मत भागिए, जब तक आप सीखने की कोशिश नहीं करते हैं आप मार्केट से कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे। एक दिन बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 10 दिन बनाएंगे, लेकिन मार्केट एक दिन में ही बिना सीखे आपसे पैसा लेके जा सकता है। तो चीजों को समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए सपोर्ट 400 पॉइंट की रेंज आपको बड़ी लग रही है, प्राइस फ्लैट ओपन होता है और सपोर्ट डाउन साइड आने लगता है, तो आपको क्या करना है, डाउन साइड अगर प्राइस आता है तो आपको कन्वर्ट हो जाना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे या तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ इस तरीके का प्राइस स्ट्रक्चर मिले, आप यहां से लॉन्ग कर दीजिए, इसका एसएल लगा के रेजिस्टेंस तक का टारगेट ले लीजिए। उसके बाद अगर फिर से प्राइस आता है रेजिस्टेंस पे और 3 मिनट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, मैं अगर आपको कहना चाहूंगा अगर आप बिगनर है तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम प्रेफर करिए, और रेजिस्टेंस पे प्राइस आए और कुछ इस तरीके का सिनेरियो बनाए, आप इसी पर्टिकुलर लेवल से इसको फिर सपोर्ट के लिए टारगेट कर सकते हैं, ये छोटे छोटे स्केल प्लान कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करना है तो वेट करिएगा 47,600 का, इसके नीचे ब्रेक करता है तो आप डेफिनेटली फिर ये डाउन साइड में ये सारे टारगेट 47,280, फिर ये जितने भी स्विंग लोज हैं आपके लिए टारगेट की तरह वर्क करेंगे। सेम सिनेरियो अगर 48,020 के ऊपर प्राइस कंटिन्यू सस्टेन करता है 48,020 के ऊपर, तब आप यहां पे लॉन्ग भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन आप वहां पे बेटर होगा ऑप्शन बायर है तो बैंक निफ्टी को मत छेड़िए। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप जाके निफ्टी में कॉल बाय करिए अगर वहां पे बाइंग का ऑप्शन दिखता है। अगर आप सेलर हैं तो आप टारगेट करिए अगर कॉल ऑप्शन कॉल में बाइंग मिले तो आप यहां पे पुट ऑप्शन को यहां पे सेल करके बैंक निफ्टी को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर सेम उसका अपोजिट अगर सेल की अपॉर्चुनिटी मिले तो आप बेटर होगा कि पुट ऑप्शन को बाय करिए, इसमें ज्यादा पैसा बनेगा। होप आपको चीजें समझ आई होंगी। तो डायरेक्शनल प्ले करना है कहाँ पे, छोटा सा गैप अप भी ओपन होता है तभी प्राइस इसी रेंज में रहेगा, छोटा सा गैप डाउन भी ओपन होता है तभी प्राइस इसी रेंज में रहेगा, क्योंकि क्लोजिंग 47,725 के पास मिली है, तो अगर 250 पॉइंट का गैप अप होगा तभी प्राइस रेजिस्टेंस के पास ही ओपन होगा। होप आपको चीजें समझ आएगी। तो रेंज में किस तरीके से आपको ट्रेड प्लान करना है टाइम फ्रेम को स्विच करके, अगर डायरेक्शनल प्लान करना है तो 47,600 का वेट करिए, इसको ब्रेक होने दीजिए। अप साइड में डायरेक्शनल प्लान करना है तो 48,020 के ऊपर कंटिन्यू प्राइस को सस्टेन होने दीजिए आधे घंटे 40 मिनट, उसके बाद आप यहाँ पे पुट ऑप्शन को सेल करके इजीली बैठ सकते हैं और टारगेट रख सकते हैं फिर आप साइड में 48,650 से लेके 48,700 तक का टारगेट आप इजीली प्लान कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि ये तो बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है, देखिए पोजिशनल बेसिस पे आपको मैं ये टारगेट बता रहा हूं। आप अगर छोटे छोटे 100-150-200 पॉइंट का टारगेट लेके और प्रोजेक्शन भी देखते रहिए क्या फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है, अगर हाइयर हाई की फॉर्मेशन है तो आप अपने एसएल को ट्रेल करते जाइए प्रॉपर स्विंग बेस्ड, अगर कहीं पे स्ट्रक्चर चेंज होता है तो अपना ट्रेलिंग एसएल बुक करके यहाँ पे पुट ऑप्शन को भी बाय कर सकते हैं। होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो इस फ्रेंड्स अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ना समझ में आया वो चीजें। देखिए मेरी वीडियो अर्निंग कम लर्निंग बहुत ज्यादा है, जिसने भी इस वीडियो को ध्यान से देखा प्रैक्टिस किया 6 महीने 3 महीने मिनिमम और मैक्सिमम अगर 6 महीने साल भर इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस कर लेता है तो उसको प्रोजेक्शन पे बहुत बड़ी कमांड होने वाली है, मैं इस बात की गारंटी करता हूँ। उसको प्रोजेक्शन और अपने ट्रेड को प्लान करने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो होप फ्रेंड्स आपको चीजें समझ आई होंगी, और हाँ अभी तक आप लोग वीडियो में बने हुए हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।